कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष तक स्थगित रहने वाले सामूहिक विवाह की धूम एक बार फिर बड़वा नगर में दिखी। सोमवार को आदिवासी उत्थान सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आदिवासी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के 28 जोड़े एक दूसरे का हाथ थाम कर परिणय सूत्र में बंधे। विवाह बंधन में बनने के बाद जोड़ों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंडी परिसर में पौधा भी रोपा। कई जनप्रतिनिधियों ने समारोह स्थल पर पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद भी दिया। इसके पूर्व सुबह 9 बजे नागेश्वर मंदिर से वर वधु का चल समारोह प्रारंभ हुआ, जहां दूल्हा दुल्हन दोनों अलग अलग वाहन में बैठे नजर आए। दुल्हन ने जहां बग्गी में बैठी हुई थी, वहीं दूल्हे बग्गी एवं खुली जीप में बैठे थे। बैंड की धुन पर थिरकते हुए परिजन उत्साह के साथ चल रहे थे। जगह जगह चल समारोह का स्वागत विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं एवं राजनीतिक संगठनों ने किया। मुख्य मार्गों से होते हुए समारोह मंडी परिसर पहुंचा। यहां सभी जोड़ों ने सामूहिक रूप से गायत्री पद्धति के माध्यम से विवाह की रस्में पूर्ण करी। जैसे ही मंच से विवाह संपन्न होने की घोषणा हुई, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विवाह संपन्न होने की बधाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ऐसी महती योजना वापस लागू करी है जिससे पिछड़े और गरीब लोग जो शादी करने के लिए उनको मेहनत करना पड़ती थी, कर्जा लेना पड़ता था, ऐसे गरीब लोगों की चिंता करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन्होंने लागू करी है। और उसके तहत में मैं आज बड़वा में एक आदिवासी उत्थान समिति के माध्यम से एक सामूहिक विवाह का आयोजन चल रहा है, जिसमें मेरे साथ में आदरणीय महिम ठाकुर जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय हितेन जी, हमारे वर्तमान विधायक आदरणीय सचिन बिरला जी, पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे समाज के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर ये विवाह आयोजन ऐतिहासिक आयोजन है, और पिछली बार भी 41 जोड़ों का आयोजन था, उसके पहले भी आयोजन अच्छी संख्या में हुए हैं, और कोरोना काल के बाद में अब फिजिकल ये विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों में उत्साह है, लोगों में एनर्जी है, लोगों में लगन है कि अब सामूहिक विवाह वापस शुरू हो गई है। लोगों को खुशी है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जिसने ऐसे लोगों के लिए योजना लागू करी जो वास्तव में जिनके लिए संघर्ष की स्थिति रहती थी, और इसलिए उन्हें सबने बधाई दी है। मैं तो एक उत्थान समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कृषि उपज मंडी में विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 28 जोड़े हैं, उसमें से 26 जोड़े हैं, 2 जोड़े जो सक्षम थे उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता का लेने से इनकार कर दिया कि हम सक्षम हैं, इसलिए इन योजनाओं का लाभ अन्य लोगों को मिले, इस तहत इसलिए 26 जोड़ों का आयोजन है। और इस प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का धन्यवाद, जो नीचे तबके तक आदिवासियों के हितों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज एक तरफ कर्ज से मुक्त होगा और प्रगति की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, मीडिया और सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 16 तारीख जो सामूहिक विवाह के लिए निश्चित की थी, हमारे अनुग्रह पे, हमारे आग्रह पे, सारे प्रयासों के बाद माननीय प्रभारी मंत्री जी, विधायक महोदय, सांसद महोदय ने अपने प्रयास किए और उसको 9 तारीख में कन्यादान योजना का लाभ दिलाया। और ये मध्य प्रदेश में सीहोर के बाद दूसरा आयोजन ऐसा है जो हो रहा है, उसके बाद सारे आयोजन, इसके बाद सरकारी योजना 16 तारीख के बाद होने जाएंगे। हमें बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी उत्थानों के लिए ऐसे प्रयास किए, और सभी सामाजिक संस्थाओं का जिन्होंने आज आदिवासी समितियों का जोर शोर से स्वागत किया है।